हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको टीना नहीं दिख रही होगी। तो टीना के लिए कुछ स्पेशल जो है वो चीज़ हमने ऑफ कोर्स मैं लेने जा रहा हूँ। तो बहुत लेट हो गया हूँ सीरियसली, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का। बट अभी मैंने रास्ते के बीच में रोकी है, शायद से आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो या नहीं आ रही हो पता नहीं, बट अभी मैंने रास्ते के बीच में रोकी है। जनकपुरी हूँ मैं और द्वारका जाना है, और अभी बज चुके हैं 6:15 हो चुके हैं, और 7 बजे मेरे को फिर दोबारा विकासपुरी जिम जाना है, वहाँ पे क्लाइंट्स को ट्रेन करना है। तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है। अभी जस्ट टीना के घर से निकला हूँ, 6:00 की क्लास अटेंड करके फटाफट से 10-15 मिनट में यहाँ पहुँचाऊँ, और दिमाग से निकल ही गया मेरे को कि मेरे को शूट करना है, व्लॉग बनानी है। तो अब मैंने बीच में रोका है और मैं बोलना स्टार्ट हुआ हूँ, मतलब व्लॉग बनाना स्टार्ट हुआ हूँ। तो बेसिकली हमारी रात को 12 बजे एनिवर्सरी है, ओके। तो एज़ यूजुअल हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि गिफ्ट देना है, बट एक दिल होता है तो देना है, और जो भी हम दोनों को ज़रूरत होती है वो ही हमें गिफ्ट में मिलता है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है, काफ़ी दिन हो गए, ऑगस्टीना जो है वो मेरे को बोल रही है कि मुझे बेल्ट चाहिए, वेट लिफ्टिंग बेल्ट जो होती है वो चाहिए, भले वो इतना वेट नहीं उठाती, मारेगी मेरे को, उसने एडिट करनी है, भले वो इतना वेट नहीं उठाती बट ठीक है, काफ़ी दिन से बोल रही है, दिन भी नहीं महीना ही हो गया होगा, एक महीने से बोल रही है मेरे को कि वेट लिफ्टिंग बेल्ट चाहिए, स्ट्रैप्स चाहिए, और मतलब जो भी जिम की एसेसरीज़ है वो चाहिए। तो अभी मैं स्ट्रैप्स तो अवेलेबल नहीं थी उसके लिए, बट जिम बेल्ट जो है वुमेन की वो मेरे को मिल गई है, और मैं जा रहा हूँ अभी द्वारका हेड क्वार्टर फिटनेस में। मेरी जो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है ऑलरेडी, गोरिल्ला वियर की वुमेन्स बेल्ट मैंने ऑर्डर की है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इतनी जल्दी बाजी में हूँ कि प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करा जा रहा मेरे से, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करा जा रहा मेरे से। तो अभी चलते हैं फटाफट से, रास्ते में हूँ, निकलता हूँ मैं फटाफट। जनकपुरी अभी भी दिखा रहा है मैप में 20 मिनट, तो 20 मिनट जाना, फिर 20-25 मिनट आना, तो कैसे जिम पहुँचूँगा फटाफट। 7 बजे मेरे क्लाइंट्स आ जाएंगे, और फिर रात को केक कटिंग भी करेंगे, मतलब रात को नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है मैं सुबेरे ही करूँगा केक कटिंग, एंड केक कटिंग के साथ में ऑगस्टीना को वो बेल्ट जो है वो मैं गिफ्ट करूँगा, और ओपनिंग करेगी ऑफ कोर्स सी बात है, उनका रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे हम। और उसके बाद उसी शाम को, मतलब कल शाम को, मैंने कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रखा है, हम जाएंगे गुड़गांव, और वहाँ पे कुछ उनके लिए है, ठीक है, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, चलो छोड़ो बोलना ही क्या, चलते हैं अब सीधा फटाफट हेड क्वार्टर फिटनेस, और अपना जो बेल्ट है वो उठाते हैं, और उसके बाद सीधा जिम, लेट्स गो। हेलमेट डालना ज़रूरी है, चलान कटेगा, चलो भाई चलें। द्वारका की रेड लाइट 2-2 मिनट की, ग्रीन लाइट 20 सेकंड की, क्या बात है। ऊपर से मौसम ऐसा हो गया बारिश वाला, और 6:30 हो चुके हैं, अभी भी मेरे को 5-7-10 मिनट लगेगा पहुंचने में, टू हेक्टिक। कौन करता है 2-2 मिनट की रेड लाइट, भाई साहब सर दर्द हो गया मेरे को, ऊपर से हेलमेट पहनना पड़ता है, बाल और ख़राब, वैसे ही ख़राब हो रहे हैं वो, और ख़राब हो रहे हैं। टीना का गिफ्ट गोरिल्ला वियर से ले लिया है मैंने, अब चलते हैं फटाफट से, बहुत लेट हो गए हैं यार, बहुत ज़्यादा लेट, जल्दी जल्दी चलते हैं, और बारिश ना आए बस। The next day. So welcome back guys. कल बहुत बिजी हो गया था शेड्यूल, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और उसके बाद लेट रात को घर गया,
और बस थक गया था और सो गया। अब जस्ट सवेरे उठा हूँ और सीधा जिम आ गया हूँ। तो अभी आज हमारी एनिवर्सरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हैप्पी एनिवर्सरी ऑगस्टीना। एंड तो जिम आ गया हूँ मैं, अब टीना का वेट है। टीना आएगी 9 बजे, तो जब तक मैं अपने क्लाइंट्स को वर्कआउट कराऊंगा और मतलब जिम के बाहर ही मैं उसको ये सरप्राइज दूंगा। डिक्की में बेल्ट जो है वो मेरे बैग में है और डिक्की में उसके लिए मैं प्रोटीन भी लाया हूँ। टू मच खर्चा, प्रोटीन भी कह रही थी ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया। आइसोलेट प्रोटीन उनके लिए लाया हूँ, ठीक है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर PVL का, तो अच्छा लगता है उनको वो वाला फ्लेवर भी और ब्रांड भी, तो वही लेके आया हूँ PVL का। तो हम प्रोटीन गिफ्ट करेंगे उसको और साथ ही साथ बेल्ट, वेट लिफ्टिंग बेल्ट। तो जिम के बाहर जैसे ही पहुँचेगी वैसे ही मैं रिकॉर्ड करूँगा और रिएक्शन चेक करते हैं कि क्या होता है। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी, ये आ चुकी है जिम में, मैं कैबिन में लेके आया हूँ उनको। इनको कुछ देना है मेरे को, गिफ्ट तू तो देती नहीं है ना मेरे को। गोरिल्ला गैस, हाँ क्या ये कौन है? बस ब्लॉग देखना इसके लिए। ओ गॉड, आज बाबू का बैग डे था ना, तो मैंने सोचा आज सही मौका है इनको बेल्ट गिफ्ट करने के लिए। वाओ, आई लव यू बेबी। एक और गिफ्ट है वो वर्कआउट के बाद मिलेगा आपको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गिफ्ट दे दिया टीना को, खुश है बहुत। अब दूसरे गिफ्ट की बारी है जो कि स्कूटी में पड़ा हुआ है, प्रोटीन उनका। चलो उनको प्रोटीन गिफ्ट करते हैं। अभी आ रही हैं बाहर, बस स्ट्रेचिंग कर रही हैं। बोलूँगा डिक्की ओपन करो और फिर रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फिर से गंदी हो गई, अभी सवेरे ही धुलवाई थी। कोई फायदा नहीं है, सफाई करते हैं। कपड़ा मारो जल्दी इस पे, चलें घर, नींद आ रही है। चलो, देखा ही नहीं इन्होंने, अंदर प्रोटीन पड़ा हुआ था। ध्यान ही नहीं होता कहीं, मैं इतना ध्यान रखा करो हमेशा। देख रहे हो अपनी बीवी कैसे मेरी ओबिडेंट है, साफ सफाई करती रहती है। अरे बहुत गंदी थी, अब तो फिर भी ठीक लग रही है। खोलो यार फटाफट डालो। ओ, ये किसका है? ये तेरा है। ये मेरा है? हाँ। अरे तेरा है, खोल ले, अभी खोल ले। ऐसे नहीं है तो मेरा है। अब आई लव यू बोलो। चलो स्कूटी चलाओ, यहाँ से गिर जाऊंगी मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेको मेरी बाबू ने मेको गिफ्ट दिया जो मुझे इतने टाइम से चाहिए था। एंड इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कल ये ना झूठ बोल के कहीं गया और ना मतलब मेरे को लग तो रहा था कि पता नहीं कहाँ, और पहली बार है कि मुझे बता नहीं रहा है कि कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर मैं उदास हो गई थी बहुत। पर अब पता लगा, थैंक यू काकू। केक ऑर्डर कर दिया है, टीना को नहीं पता, आने वाला थोड़ी देर में, जैसे आता है केक कटिंग करेंगे। केक आके टीना के लिए लेने, मैंने कहा कुछ सामान आया मेरा लाना। यार ये क्या है काकू, यार मैंने ना अभी बोला कि सो जाओ, कहते कि नहीं मेरा सामान आने वाला है, और अभी देखा कि केक। टीना केक खाएगी, चीज केक, टीना केक खाएगी। अच्छा ओ, मतलब इन 17 महीनों में कुछ बदलाव हो या ना बदलाव, और मौसम बदले, हाँ पता नहीं क्या क्या बदल गया, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बट एक चीज कॉन्स्टेंट रहा इख्तियार, ये चीज केक और ये प्रोटीन, सब कुछ कॉन्स्टेंट रहा। माय गॉड, मतलब पूछो चीज केक
Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. Yum. भूख गिर रही है. मैं तो चारा खा गई. ये वाला कुछ डिफरेंट था. पहली बार खाया ना. Guys, it's really yummy. एक बार आप ट्राई करके देखो. आपने हमारे व्लॉग्स में देखा होगा हमने हर तरह के चीज केक टेस्ट कर लिया. स्ट्रॉबेरी से लेकर कुकी क्रीम बिस्किट. दिस इज चॉकलेट एंड इट्स अमेजिंग. बहुत बढ़िया. फ्री हो गया मैं जिम से. बहुत धूप है यार. चलते हैं टीना के पास, देखते हैं क्या कर रही है वो. अभी उसको पता नहीं, हम शाम को कहीं जाने वाले हैं डेट पे. बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा. बाल बाल भी सेट करवाऊंगा, तैयार भी होऊंगा और उसके बाद में चलेंगे डेट पे. ओ सॉरी, हेलमेट रह गया मेरा. हेलमेट ले ले, फिर मेरा सर खा जाएगी वो. हेलमेट भूल गए हैं. पहुंच गया टीना के घर. देखते हैं मैडम क्या कर रही हैं. उसने कुछ तो कर रही होंगी. आज छुट्टी है मैडम की. छुट्टी ली है इन्होंने स्पेशली. मैंने बोल दिया है ना कि शाम को हमें कहीं जाना है. हेलो. ओ माय गॉड, हमने तो शाम को जाना है. देख रहे हो रील्स बनाई जा रही है. कितनी मेहनत करी जा रही है. क्या बात है, नीचे चप्पल है. कितना तैयार श्यार होके रील्स बनाता कोई. मैं कह ही रहा था ना आप लोगों को कि कुछ ना कुछ खुराफाती कर रही होगी घर पे बैठ के. यार ये वेव्स तो कैसे ऐसे करते. देखो देखो, हमने शाम को कहीं जाना है. हाँ. हम शाम को डेट पे जा रहे हैं ना. यस, हम शाम को डेट पे जा रहे हैं. ओह माय गॉड, कितना फालतू डांस कर रहा है. तो यस गाइस, वी आर गोइंग ऑन अ डेट. पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे. एक घंटा स्कूटी चलाई है मैंने. अरे मजे से 1 hour लगे. 1 hour. ओ प्लीज, पीछे बैठी थी ऐसे हाथ ऐसे करके फोन पकड़ के. मजा आते हुए पर 30 मिनट्स पहले मैंने इनको पहुंचा दिया. कितने मिनट पहले दिखा रहा था, सिर्फ 10 मिनट पहले. वही एक घंटा रूट लेते हैं हम, ठीक है. 10 मिनट पहले दिखा रहा था और मैंने 30 मिनट्स पहले पहुंचाया है. कितना अच्छा राइडर हूं ना मैं. अरे इधर दो. ये ना सारी बातें नहीं बताता एक्चुअली. मैं बताती हूँ, वो रूट लगाया बाइक वाला दिखा रहा था. बाइक से जाने का रूट दिखा रहा था 1 hour 43. फिर मैंने कहा इतना टाइम तो नहीं लगता गुड़गांव, ये तो मेरे ऑफिस के पास है. तो देखा अरे गाड़ी से 35. साला गूगल मैप ना कुछ भी दिखाता है. फाइनली वैसे हम पहुँच गए हैं. जो बोलता है वही होता है. लेट्स गो. उधर वाला.
सेलिब्रेट में लोग हैं जो थैंक यू बता सकते हैं लास्ट मंडे। हाँ जी तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। रुक जाओ यहीं पे बात कर लेते हैं दर्शकों से। इतना मजा कभी नहीं आया मुझे, मैं हंस के मेरे ना पेट के चूहे मर गए हैं मुझे लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा भी फर्स्ट था, पर मैंने काफी शो देख रखे थे ऑन यूट्यूब। राइट, ऐसे में मतलब मेरे ऑफिस में होता रहता है ऐसे, मतलब एनुअल डे में स्टैंड अप कॉमेडियंस बुलाते हैं, बट मैंने पर्सनली ऐसे जाके जो माइक ड्रॉप वाली होता है ना स्टैंड अप कॉमेडियन, वैसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। इट वॉज अमेजिंग, हर्ष गुजराल इज अमेजिंग एंड ही इज सो जेन्युइन। मतलब शो खत्म होने के बाद ही केम टू मीट एवरी सिंगल पर्सन और हमने awesome. फोटो भी खिंचवाई और बहुत बढ़िया फोटो आई है हमारी। मजा आ गया सच्ची में गाइस। क्या पता मैं डीपी लगा दूं। क्या तुम्हें अकेले की और हर बंदे से पूछ रहे हो और कैसे हो, कैसा शो लगा। मतलब हर्ष गुजराल पूछ रहा था कि कैसा शो लगा, थैंक यू सो मच आने के लिए। सही में बहुत मजा आया। तो गाइस हमें अभी भूख लग रही है बहुत तेज की, हम खाने मतलब खाना कुछ नहीं खाया तो अभी खाने जा रहे हैं। और ये व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम खाना खाएंगे उसके बाद घर जाएंगे और फिर हम ये व्लॉग खत्म करेंगे। तब तक के लिए कमेंट और लाइक जरूर कर दें हमारी वीडियो को। इतने मुश्किल से बना रहे हैं व्लॉग, 1500 होने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। ये क्या खाओगी? हैं वहाँ जाके बैठ जाओ फिर। हाँ जी, हर्ष गुजराल के शो से पहले मेरे को 2 घंटे पहले भूख लगने शुरू हो गई थी, तो मैं एकदम आराम से चुप करके पूरा शो एंजॉय किया। ठीक है, सर को तब भूख नहीं लगी थी, अभी जैसे शो खत्म हुआ इनको भूख लगी, ये पागल हो गए। ठीक है, गुर्राने लगे करके। फिर मुझे ना ये सेक्टर 29 की मार्केट लाना पड़ा, हम सब में खा रहे। तो हमने खाना खा लिया, पेट भर गया मेरा, अब मतलब इतना नहीं भरा पर मैं घर जाके दोबारा खाऊंगा। और आप चलते सीधा घर फटाफट से। और अगर हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।